अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो देख रहे होंगे आप मेरे साथ आज मेरी कोको है। कोको 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 रुक जाएगी ब्रेड। कोको ओ कोको 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 मेरे से बात ही नहीं कर रही। कोको कोको को जाना है कुछ, वो वहाँ पे ना बाकी सारे खा रहे हैं तो इसे मैंने पकड़ लाया। कोको कोको बात कर ले। कोको हाँ क्या हाल है? कोको कोको बात नहीं करेगी। चलो जा कोको, जा 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 ये लो देखो। ओ भागी 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 वो पहुंच गई है। अभी मैं छत पे आया था इन्हें दाना वगैरह डालने के लिए, तो ये मैंने बाल्टी देखी है, तो इनके खुराक के लिए मैंने कलर ली थी अब्बू से, तो यहीं पे भूल गया था। तो इसे काटना है और इसे काट के थोड़ा सा ना इतना सा जो है वो इसकी गहराई, तो इतना डब्बा सा बनाना है। वो पहले एक मैं डालता हूँ तो वो जितनी भी फीड होती है वो सारी ना बिखेर देते हैं और ख़राब हो जाती है, तो इस तरह का डब्बा बनाएंगे तो वहाँ से बिखेरेंगे नहीं। तो ये करना है एक काम। कल शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही परिंदे दिखा दिए थे, तो आज छत पे आया हूँ। आज एक भी ना फाख्ता नजर आ रही है, ना वो चिड़िया वहाँ पे बैठी होती थी वो नजर आ रही है, ना गुलहरी नजर आ रही है। आज कोई भी नहीं आया हुआ, या तो मैं जल्दी ऊपर आ गया हूँ, या ये हो सकता है, या वैसे ही आज आया कोई नहीं है। अरे मैं लेके आ गया हूँ नीचे से, तो ये डब्बा जो है वो काट लेते हैं यहाँ से। हाँ बड़ी मुश्किल से काटा लेकिन कट गया, शुक्र है। तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई नहीं खैर है, लेकिन बर्तन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन गया। अभी इसे थोड़ा सा पानी के साथ धो देते हैं। प्लान में अभी थोड़ा सा चेंज आ गया, तो ये वाला जो डब्बा है तो ये पहले पानी के लिए थे, इसमें हो गया है थोड़ा छोटा सा सुराख, तो ये मैं खुराक के लिए रख लूँगा, और ये डब्बा भी बड़ा है तो इसमें पानी के लिए रख लूँगा। तो बाय द वे जो हमारी चिड़िया हैं वो भी आ चुकी हैं, एक दो, और वो बैठी हुई है तीन। चले जी, पानी वगैरह भी डाल दिया और यहाँ पे खुराक डाल दिया, और आज का अंडा भी इन्होंने दे दिया हुआ है, और वो भी छोटा सा अंडा, छोटा सा, कल से भी छोटा अंडा। अंडे बड़े नहीं हो रहे इनके। आज हमारा क्रिकेट का चैलेंज मैच है, हमारी टीम होगी, मैं होऊंगा, अहद होगा, मुजम्मल होगा, मोहसिन होगा, और मुजम्मल के जो बड़े भाई नबीर भाई हैं वो होंगे। तो ये हमारी टीम होगी, हो सकता है हाफज अली हमारा दुकानदार वो भी हो। तो दूसरी टीम जो होगी तो वो भी आपको दिखा देंगे वहाँ पे कौन कौन होगा। वैसे तो आपने मेरे ब्लॉग में कम ही उन्हें देखा होगा, तो वो भी आपको दिखा देंगे। एक तो मेरी यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स शर्ट पड़ी हुई है तो वो निकालते हैं, और एक जो है ट्राउज़र वगैरह निकालते हैं मैच खेलने के लिए। जो तो मेरी यूनिवर्सिटी की शर्ट है तो वो यहीं पर कहीं पर पड़ी होगी। नहीं, ये वाली भी नहीं है, और ये फुटबॉल वाली ये भी नहीं, ये पड़ी हुई है हमारी यूनिवर्सिटी की शर्ट, IT6ers। वैसे पता नहीं आज मेरे से छक्के लगते हैं कि नहीं लगते हैं। बॉलिंग ठीक सी करवा सकता हूँ, छक्के वगैरह की कोई गारंटी नहीं है। छक्के वगैरह के लिए नवीद भाई हैं, तो वो भी 6-7 साल बाद खेलने लगे हैं, तो पता नहीं वो भी छक्के लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। आज काफ़ी ज़्यादा फनी मैच होने वाला है, तो वीडियो पूरी देखिएगा। आज ये वाला काम करते हैं, ये होगी मेरी निकर, तो ये पहले ये ट्राउज़र पहनेंगे, ऊपर से ये निकर पहन लेंगे। तो आज जो है स्पेशल किस्म का फैशन करते हैं। अब जैसा भी लगेगा मैं पहन के दिखा दूंगा, तो बस मजाक मत उड़ाइएगा, बस अपनी मैच इंजॉय करना। मैंने भी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और रेडी शेडी हो गया हूँ, तो ये मैंने जूते भी पहन लिए हैं और ट्राउज़र भी पहन लिया और अपनी निकर भी पहन ली। थोड़ा सा फनी सा लग रहा है, चलो कोई नहीं, खैर है, क्रिकेट ही खेलनी है तो वो खेलते हैं जाके। बैट चाहिए तो वो बैट ले जाते हैं अपना साथ ही, वो वाला पुराना सा बैट हमारे पास, पता नहीं कितने सालों बाद जो है मैच रखाया हमने थोड़ा सा, तो इस तरह के बैट ही हमारे पुराने पड़े हैं यहाँ पे। टी टीम किधर है? क्रिकेट खेल भाई, ये दो दो पैंटे हैं ये देखे। मैं बताया मैंने कहा नीचे से ट्राउजर पहना है, ऊपर से मैंने निकल पहन ली है। भाई ये ना स्पेशल ड्रेसिंग है। बाकी सारी टीम जो है चली गई है, तो अभी हम भी चलते हैं जल्दी 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 जल्दी। मेरा काम था प्लेयर इकट्ठे करना है, तो मैंने प्लेयर इकट्ठे कर लिया, बाकी टीम पहुंच गई है, तो हम पीछे रह गए, तो आगे ग्राउंड आने वाला है। वो टीम हाँ आ रस्ता है मेरा, लम्बे
ਮੇਰੇ ਪੈਕੇਜ। बाली करा ला बिल्डिंग पुत तेन अज इंशाल्लाह मैच हराना अज पता लग गया तू कहना सी ना तू बहुत वड्डा प्लेयर है मिट्टी मिट्टी है काफी ज्यादा दुलदस्ती हमारी फील्ड लग चुकी है एक वहां पे लगा हुआ है एक वो पे है तो एक वहां मुजम्मल है यहाँ साध और इधर मैं हूँ तो ये सामने जो है पीछे हमारी तो आहत बॉलिंग करवाने लगा है जो ईंट पड़ी है इससे पीछे पीछे है बाउंड्री है सारी किधर गई गेंद 4 रन स्कोर फोर स्कोर उधर कुट पई जानी तेनों की मसला बन गया अच्छा खून आ गया चलो कोई नहीं वेरी तेज चल कोई नहीं आउट वेरी अच्छी विकेट बहुत अच्छी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड 84 वेरी गुड वेरी गुड हमारी जो बॉलिंग है वो खत्म हो गई है तो तकरीबन 90 या 87 यहाँ तक उनका टारगेट है तो देखते हैं बैटिंग में क्या बनता है फर्स्ट ओवर हमारा बिल्कुल जो है जीरो पे गया अभी अंडा हमारा नहीं टूटा दो स्कोर है हमारा आउट हो गया और ये हमारा पहला आउट होते हुए अब हसनैन गया है दूसरे खिलाड़ी के तौर पे अब देखते हैं क्या होता है आगे ये भी मैच खत्म हो गया तो दूसरी टीम मैच विन कर गई है हाँ। यार ओ, आपका होम ग्राउंड था इसलिए हमें थोड़ा सा अंदाजा नहीं हुआ ओ भाई होम ग्राउंड है अहमद भाई का तो होम ग्राउंड था ना ओ पिच का थोड़ा सा अंदाजा नहीं हुआ कि बॉलिंग थी कि बैटिंग थी छे महीने का चैलेंज करता चौधरी ओके साध भाई थैंक यू फॉर द बेस्ट बॉलिंग कोई नहीं कभी कभी अच्छी हो जाता है ओके भाई नहीं बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी बड़ी ले आ फिर सर जी गए मैच वगैरह खेल के आ गए हैं घर तो अभी मैच को दवाई डालनी है और ये पत्ते काटे हुए हैं तो ये डालने हैं अभी हमारा सामान आ रहा है न्यू घर का टाइल्स वगैरह और वाशरूम की जो सीट्स वगैरह वो है तो वो देखने जा रहा हूँ कि आई है कि नहीं आई अबू भी आए हुए हैं मरीज भी आया हुआ देखने के लिए इधर भी कोई नहीं है और इधर भी कोई नहीं है ना मरीज नजर आ रहा है ना अबू जी नजर आ रहे हैं यहाँ पे कहीं पे अबू जी मेरे ख्याल सामान लेके पहले ही पहुँच गए थे तो अभी अबू जी भी वापस चले गए घर तो मैं भी चलता हूँ मैं यहाँ पे बच्चों को देखने लग पड़ा था तो वो आग वगैरह लगा रहे थे पौधों को तो अपने ना वो भी क्रिकेट के लिए अपना मैदान सीधा कर रहे हैं मेरे तो आज पेट भी अच्छा खासा खराब है तो मैच खेल गया हूँ तब से ना थोड़ी सी सुस्ती भी पड़ी हुई है नींद भी आ रही है चलो कोई नहीं अभी ना दवाई खा लेते हैं तो पेट वैसे काफ़ी ज़्यादा खराब है ये खाते हैं जी कारमीना तो शायद इससे आराम आ जाए तो ये दो गोलियाँ जो खा लेते हैं वैसे जिस दिन नौकरी तक खराब मुझे लग रहा है ना तो इससे आराम पता नहीं आता कि नहीं आता चलो अलग आराम आ जाए इससे भी
अपनी यूनिवर्सिटी की शर्ट जिस माँ के साथ पहन के गया था तो उसी तरह वापस रख देते हैं। व्लॉग भी हमारा एडिट हो चुका है और ये वाला व्लॉग भी काफी ज्यादा लंबा हो गया, तो इस व्लॉग को यही भी खत्म कर देते हैं। इसी उम्मीद के साथ अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, फिर भी सपोर्ट करें। तब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।